हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सभी बड़ी मंडियों में सोयाबीन के भाव 6 मई 2020 को क्या देखने को मिली है। मतलब दोस्तों, जो भी कल था 5 मई 2020 और कल शाम के जितने भी अपडेट आए हैं मैं इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे और किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचे और जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूं, लगातार कमेंट में यही देखने को मिल रहा है कि सर भाव कब बढ़ेगी कब बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं एक बात आप लोग को बता दूँ कि जैसे कि मंडियाँ खुली हैं और किसान भाई सोयाबीन लगातार लेके आ रहे हैं, इसीलिए दोस्तों मंडी में नमी देखने को रही है। लेकिन तेज़ी कौन सी मंडी में पूरी डिटेल में जानेंगे। तो जोबट मंडी में 3640 से लेकर दोस्तों 3805 के बाद देखने को रही है आवक 7 टन देखने को मिले हैं। सुजालपुर मंडी की बात करो तो 3120 रुपये से लेकर दोस्तों 3900 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 54 टन देखने को मिली है। अशोकनगर मंडी की बात करें दोस्तों तो 3200 से लेकर 3820 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे 122 टन देखने को रही है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे शेरपुर कलाम मंडी में, जो कि 3200 से लेकर 3645 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे 43 क्विंटल देखने को रही है। पोहरी मंडी की बात करें तो 3100 से लेकर दोस्तों 3650 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे 50 टन देखने को रहे हैं। बद्रवास मंडी की बात करें तो बद्रवास मंडी में दोस्तों 3500 से लेकर 3755 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे 62 टन देखने को मिली है। बैराण मंडी की बात करें तो 3400 से लेकर 3795 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 32 टन देखने को रही है। दोस्तों, वीडियो को साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। डिंडोरी मंडी की बात करें तो 3140 रुपये से लेकर 3775 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक के पर यहाँ पर 28 टन देखने को रहे हैं। बैतूल मंडी की बात करें तो 3255 रुपये से लेकर दोस्तों 3690 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पर 85 टन देखने को रही है। मुल्ताई मंडी की बात करें तो 3455 रुपये से लेकर दोस्तों 3780 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 120 टन देखने को रही है। कुरावर मंडी की बात करें दोस्तों 3500 से लेकर 3795 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 80 टन देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे खिड़किया मंडी में, जो कि 3400 से लेकर 3820 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 74 टन देखने को रही है। सिराली मंडी की बात करें दोस्तों तो 3205 रुपये से लेकर 3355 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 80 टन देखने को मिली है। खरगोन मंडी की बात करें तो 3050 रुपये से लेकर दोस्तों 3755 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 90 टन देखने को रही है। बड़ा मलहरा मंडी की बात करें दोस्तों तो 3200 से लेकर 3750 रुपये भाव देखने को रही है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 142 टन देखने को मिले हैं। कनौज मंडी की बात करें तो 3200 से लेकर दोस्तों 3720 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 55 टन देखने को मिली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिछौर मंडी में, जो कि 3555 रुपये से लेकर दोस्तों 3840 रुपये भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 400 टन देखने को मिली है। विदिशा मंडी की बात करें तो 3750 रुपये से लेकर दोस्तों 3750 रुपये से लेकर दोस्तों 3800 का भाव देखने को मिले। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पे 45 टन देखने को रहे हैं। टिमरनी मंडी की बात करें तो 3150 रुपये से लेकर 3755 रुपये भाव देखने को मिले। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 80 टन देखने को मिली है। बिजावर मंडी की बात करें दोस्तों तो बिजावर मंडी में 2900 से लेकर दोस्तों 3285 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 70 टन देखने को रही है। खुराई मंडी की बात करें तो 3020 रुपये से लेकर दोस्तों 3695 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पे 170 टन देखने को रही है। सतना मंडी की बात करें दोस्तों तो 2800 से लेकर 3780 रुपये भाव देखने को मिले हैं। आवक की दोस्तों बात करें तो आवक यहाँ पे 75 टन देखने को रही है दोस्तों। राजगढ़ मंडी की बात करें 3720 रुपये से लेकर दोस्तों 3940 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 170 टन देखने को रही है। तो दोस्तों, ये थी आज के मध्य प्रदेश मंडियों में सोयाबीन के भाव। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप जौन से जिले से दोस्तों कौन सी स्टेट्स हैं प्लीज़ अपने मंडियों का नाम और दोस्तों क्या उधर क्या हाल चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो दोस्तों प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। और दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों टेलीग्राम पर वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी दोस्तों जाकर विजिट और फॉलो जरूर करें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी बहुत से जल्दी मैं जवाब देने की पूरी तरह कोशिश करता रहता हूँ टेलीग्राम पर। तो चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।